आज के युग में शिक्षा हमारी और हमारे बच्चों की मूलभूत आवश्यकता है। सरकार भी बात करती है अनिवार्य बाल शिक्षा के विषय में, पर क्या सभी बच्चों को मिल पा रही है शिक्षा? सरकार इसमें कितनी सफल है और कितनी असफल, इस पर तो हम शायद कुछ नहीं कह सकते, पर लोहरा कोचा रांची के अमान खान जी और उनके सहयोगी पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं बच्चों में शिक्षा द्वीप जलाने की, और इसमें उनकी मदद कर रहे हैं उनके पड़ोसी और उनके मोहल्ले में रहने वाले लोग। आइए बात करते हैं अमान खान जी से। मेरी बहुत सौभाग्य है हमारे बच्चों का कि आप ऐसे लोग हमारे स्कूल पर नज़र डाले हैं, क्योंकि इस स्कूल में, ये स्कूल को हम लोग स्थानीय लोग कुछ ही लोग हैं जो इस स्कूल को आज तक चलाते आ रहे हैं और चल रही है, मगर कुछ फंड की वजह से हम इस स्कूल को जो ढंग से चलना चाहिए या रहना चाहिए उस ढंग से रख नहीं पा रहे हैं, और ये एकदम गरीब लोगों की एरिया है, सलम एरिया मान के चलिए इसको, सब गरीब के बच्चा और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग कि ये है कि आप लोग जो आए हैं और जो सहायता देने की कर रहे हैं कोशिश, हमें बहुत खुशी है, हम आपके साथ रहेंगे। अगर आप लोगों की कोशिश से इन बच्चों का भविष्य बनता है, इनकी विकास होती है, तो इससे बढ़िया और क्या हम चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों में वो फाइनेंशियल ताकत नहीं है जो हमें कोई 2000-4000 दे, हम चंदा करके और कुछ मेंबर हैं उनसे लेके इस स्कूल को आज तक चला रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए स्कूल की हालत, ऐसे लोग हैं कि अपने बच्चों को ड्रेस नहीं बना के दे सकते हैं, और हम लोगों में वो मजबूरी आ गई है कि हम लोग जो बेंच टूटी हुई है उसको रिपेयर नहीं करा सकते हैं, गेट टूटा हुआ है, और आप लोग के आने से हम खास करके जो एक इंचार्ज के तौर पर हैं यहाँ, मेरा नाम अमान खान है, और आपके आने से सच बता रहा हूँ कि नहायत खुशी लगी है हमको, बहुत ही हिम्मत मिली है, और अब हम चाहते हैं और सोच रहे हैं कि हमारे इन गरीब बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा आप लोग के द्वारा। टूटे फूटे बेंच, टपकती छत, फटी हुई दीवारें, जगह की कमी और अन्य कई ऐसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भी इस विद्यालय की शिक्षिकाएं चेहरे पर मुस्कान और मन में स्नेह व सेवा भाव के साथ यहाँ के बच्चों में शिक्षा व संस्कार का संचार करती हैं। नाम रुबीना मोहसिन है, मैं यहाँ की टीचर, और एक ये मेरा नाम अंजलिका टोफो, हम लोग दोनों मिलके यहाँ पढ़ाते हैं। यहाँ गरीब बच्चे आते हैं पढ़ने, बच्चे 30 है, और यहाँ बेंच वगैरह सब टूटे हुए हैं, और बच्चों का ड्रेस और किताब वगैरह सब भी नहीं मतलब ले पाते हैं, और यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। 20 साल से आ रहे हैं यहाँ, तो वॉल भी मतलब पूरा क्रैक है, पानी भी ऊपर से टपकता है छत से, एस्बेस्टस टूटी हुई है। क्या आप और हम मिलकर इस विद्यालय के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे यहाँ के बच्चों के शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण तैयार की जा सके? हम मिलकर एक कोशिश तो कर ही सकते हैं।